नाउ रिसेंटली इसरो के चीफ एस सोमनाथ ये कंफर्म किए हैं कि इसरो चंद्रयान 3 के मिशन को जुलाई के थर्ड वीक में लॉन्च करेगी। आपको बता दें कि करीब 4 साल पहले इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो मून के सदर्न पोल पर सॉफ्टली लैंड कर सके। हालांकि इस मिशन के फाइनल मोमेंट पर सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ गई थी, जिस वजह से लैंडर और रोवर अर्थ से कॉन्टेक्ट खो दिए थे और ये मिशन फेल हो गया था। तो इसी ऑब्जेक्टिव को फिर से पूरा करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रही। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसरो इस सक्सेसफुल मिशन के थ्रू क्या साइंटिफिक डिस्कवरीज करेगी। फिर हम ये जानेंगे कि आखिर इसरो मून के सदर्न पोल को क्यों एक्सप्लोर करना चाहती है, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि आखिर क्यों ये मिशन इसरो का अभी तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन में से एक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चंद्रयान 3 जो कि इसरो का तीसरा मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, वो 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगी। आपको बता दें कि ये मिशन बिल्कुल चंद्रयान 2 के जैसा होगा, जिसमें कि लैंडर और रोवर होंगे। हालांकि इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। इसका प्रोप्यूलेशन मॉडल एक कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जो कि मून के अराउंड रहकर लैंडर और रोवर से डेटा रिसीव करके अर्थ पर भेजेगा। चंद्रयान 3 के मिशन को पूरा करने के लिए 615 करोड़ के बजट को एलोकेट किया गया है, तो वहीं चंद्रयान 2 के मिशन को पूरा करने के लिए ₹920 करोड़ के बजट को एलोकेट किया गया था। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसरो कई सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज इस मिशन के थ्रू कर पाएगी, जैसे चंद्रयान 3 के मिशन में प्रेजेंट लैंडर और रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट मून की सरफेस के एलिमेंट्स को मेजर करने में हेल्प करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट मून की सरफेस से निकलते हुए एक्सरे और गामा रेस को एनालाइज करता है और बताता है कि सरफेस में कौन से एलिमेंट्स हैं और कितना है। इससे साइंटिस्ट को मून की सरफेस का कॉम्पोजिशन पता चलेगा, जो मून के ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करेंगे। तो वहीं लेजर इंडस्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट एक हाई एनर्जी लेजर फायर करता है, जिससे मून की सरफेस का एक छोटा हिस्सा वेपराइज होता है। वेपराइज हुआ मटेरियल फिर एक प्लाज्मा बनता है, जो कि लाइट को इमिट करता है। लिप्स फिर ये लाइट को मेजर करेगा और बताता है कि मून की सरफेस पर कौन से एलिमेंट्स हैं। ये जानकारी इसरो के साइंटिस्ट के लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, जो मून के ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मून की सरफेस का कॉम्पोजिशन हमें ये बता सकता है कि मून के फॉर्मेशन के समय कौन से मटेरियल्स थे, और ये भी बता सकता है कि मून पर टाइम के साथ कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। उसी तरह रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइप्रोसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, जो कि लैंडर में प्रेजेंट होता है, वो मून के अराउंड जो थिन है उसमें से रेडियो वेव्स को रिसीव करता है और उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को मेजर करता है। इससे साइंटिस्ट को मून के आयनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पता चलता है। लास्ट इंस्ट्रूमेंट लूनर सेस्मिक एक्टिविटी है, जो मून की सरफेस पर होने वाले सेस्मिक इवेंट्स को मेजर करने में हेल्प करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट मून की सरफेस पर लगाए गए सेंसर से वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है और उनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करता है। इससे साइंटिस्ट के मून की इंटरनल स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स के बारे में पता चलेगा, जो मून के ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करेगा। नाउ अब हम जानेंगे कि आखिर ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी है वो इसरो मून के सदर्न पोल पर क्यों करना चाहती है। इसरो मून के सदर्न पोल को इसलिए एक्सप्लोर करना चाहती है क्योंकि मून की ये पार्ट परमानेंटली शैडो से कवर्ड है, और आपको बता दे कि ये पार्ट मून के नॉर्थ पोल से बहुत ज्यादा बड़ा भी है। सदर्न पोल के परमानेंटली शैडो में रहने के वजह से इस पार्ट में मिनरल्स और वाटर आइस की प्रेजेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो कि फ्यूचर में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस हो सकता है। इसरो के मुताबिक सदर्न पोल की जियोलॉजी मून के बाकी हिस्से से बहुत अलग है। इसमें कई बड़े क्रेटर्स हैं, साथ माउंटेन्स और वैलीज भी है। इसरो इस यूनिक जियोलॉजी को स्टडी करना चाहता है ताकि वो मून के हिस्ट्री को बेहतर से समझ सके। तो इस वजह से इसरो मून के सदर्न पोल को एक्सप्लोर करना चाहता है। नाउ अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये मिशन इसरो का अभी तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन में से एक है।
चंद्रयान 3 मिशन इसरो का अभी तक का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मिशन इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल पर उतरेगा, जो एक बहुत ठंडे और रेडिएशन वाला जगह है, और इस कारण से इस जगह पर स्पेसक्राफ्ट को उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ साउथ पोल का रफ टेरेन स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित और सही तरीके से उतारने के लिए मुश्किल भी बनाता है। दूसरा रीजन है द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस। साउथ पोल के रीजन में वाटर आइस का प्रेजेंट होना फ्यूचर में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस हो सकता है, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग के वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर स्पेसक्राफ्ट वाटर आइस के एरिया में लैंड करती है तो वाटर आइस स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स को खराब कर सकती है, जिससे कि इस मिशन के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसरो के साइंटिस्ट को एक खास ख्याल रखना होगा कि वो स्पेसक्राफ्ट को कहां लैंड कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इतने चुनौतियों के बावजूद चंद्रयान 3 मिशन इसरो के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कई सालों तक काम किए हैं और उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो अगर ये मिशन सफल होता है तो ये इसरो और भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा? आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लॉन्ग लिव मदर इंडिया।